फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज के चौथे दिन पड़ी सुस्त। पीएम मोदी और अमित शाह ने द साबरमती रिपोर्ट की करी तारीफ, जिसके बाद उम्मीद थी कि उनके बयान से फिल्म की कमाई में इजाफा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुरू होने में अब बस चंद घंटे बचे हैं। इस बार कई मायनों में शानदार होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। गोवा में इप्पी ने की तैयारियां पूरी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में डिज्नी की मेगा बजट एनिमेशन फिल्म मोआना 2 का भी गाला प्रीमियर 27 नवंबर को होगा। ये फिल्म पूरी दुनिया में इसको 2 दिन बाद यानी 29 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। गोवा में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 15 फिल्में स्वर्ण मयूर पुरस्कार के लिए हिस्सा ले रही हैं। इनमें 12 विदेशी और भारत की 3 फिल्में भाग ले रही हैं। स्वर्ण मयूर पुरस्कार के लिए फिल्में हो रही शामिल, और इस दौड़ में जिन तीन फिल्मों की हो रही बात, उनमें तिरंगा थामा, उनमें मलयालम फिल्म और मराठी फिल्म शामिल है। द बंकिंगम मर्डर्स एक्टर और पॉपुलर सेलिब्रिटी शेफ रणवीर ब्रार की रीढ़ की हड्डी में लगी गंभीर चोट, डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की दी सलाह। एक्टर ने शूटिंग से बनाई दूरी। कंगना रनौत थप्पड़ कांड पर लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर के भाई शेर सिंह महिवाल का आया बयान, कहा सजा देने में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, दोनों को मिले दंड। बीजेपी नेता और बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को फिर पाकिस्तान से आई धमकी, पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया जॉन फारूक खोकर ने एक्टर को धमकाया, कहा माफी मांग लो वरना मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा, क्योंकि मिथुन का बयान मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पिछले 27 अक्टूबर को कोलकाता में अमित शाह की रैली में मिथुन ने कहा था, एक नेता ने कहा था कि यहां 70% मुस्लिम और 30% हिंदू हैं, हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहा देंगे। इस पर मैं कहता हूं कि हम तुम्हें काटकर भागीरथी में तो नहीं बहाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जमीन पर जरूर दफना देंगे। एक्ट्रेस कश्मीरा शाह हाल ही में सड़क हादसे की हुई शिकार, एक्ट्रेस को काफी चोट आई। अब एक्ट्रेस ने एक्सीडेंट के बाद की तस्वीर शेयर, जिसमें चोट साफ करते हुए कश्मीरा शाह के कई नैपकिन खून से सने नजर आए।